अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पप्पू यादव को उनके आवास से आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर डीएसपी समेत 5 थाना के प्रभारी भी मौजूद थे और उनके आवास पे पुलिस कर्मी भी मौजूद थी। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके गांधी मैदान थाना ले जाया गया है। क्या से पूछे ना, हम क्या बोल सकते हैं भैया, हम गिरफ्तार से चले जा रहे हैं ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है, हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, बाधा मत पहुँचाइए, जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। पुलिस से क्या कहा आप, इंस्पेक्टर साहब से ना, डीएसपी साहब सुरेश बाबू आए हमारे बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे पूछे क्या है, क्यों कारण है, बाधा मत होते प्लीज, नहीं नहीं हम लोग गिरफ्तारी का उल्लंघन किया है आप, ये तो उनसे न पूछेगा हमने कानून का क्या उल्लंघन किया, उनसे न पूछेगा क्या कहेंगे, किस सेवा करने का नतीजा है। ये नीतीश कुमार की ज्यादती, जुल्म, अत्याचार की जिसको गिरफ्तार करना चाहिए, इनका कहा गया नहीं जाने, फंसाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं, जिसको जिसको बचाना चाहिए आईना दिखा रहे हैं, फंसा रहे हैं। हटाओ यार, हटाओ कैमरा। ये तो उनसे न पूछेगा हमने कानून का क्या उल्लंघन किया, उनसे न पूछेगा। हुआ तब से इकलौता व्यक्ति, हर आदमी को सहयोग, सेवा और सहायता पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए इकलौता व्यक्ति था, जो बिहार में पटना के सड़कों से लेकर के अन्य जगहों पर भी उनके साथ ही हमारे पार्टी के लोग कर रहे थे। ये नगवार लगा नीतीश कुमार को, मारना चाहते हैं बिहार के गरीब गुरुवा को और तमाम उन सभी मरीजों को, ये नहीं अच्छा लगता है। मैं नीतीश कुमार जी पूछता हूँ कि आप राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करने के बजाय, जब हमारी पूरी राज्यभर की राज्य इकाई जब मांग कर रही थी कल कि राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार किया जाए कोविड महामारी एक्ट के तहत, उल्टी आप सुबह सुबह पप्पू यादव गिरफ्तार किए, ये कौन सा कानून है? दोषी आपके भाजपा, भाजपा से डर गए कुर्सी कुमार जी, कुर्सी बचाने के लिए। सीधे सीधे दिखता है कि सेवा नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है, बिहार के लोग बच्चे नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है, इसीलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। ना ऑक्सीजन पहुंचाते हैं पप्पू यादव, ऑक्सीजन सबको घर को पहुंचाते हैं, दवा पहुंचाते हैं पप्पू यादव, अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मीडिया से लेकर पूरा देश परेशान हो गया है इस बिहार सरकार से कि कैसे यहाँ के बिहार के मरीजों को पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स सब में मारा जा रहा है। आप क्या क्या सवाल है?
गिरफ्तारी क्यों हुई है ये बताया गया? अभी तक तो लॉकडाउन का उल्लंघन बताया जा रहा है। जब खाना हमारे साथी पहुंचा रहे थे, जब पप्पू जादव जी को कॉल आया, पप्पू जादव जी ने अपने एक रेशन को देखने गए, उनकी मदद करने के लिए पहुंचाने के लिए जब गए, ये हवाला देते हुए कि आप लॉकडाउन कर, तो लॉकडाउन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है यदि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मामला नहीं हो तो बहुत ज़्यादा डिटेन किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कितने पुलिसकर्मी पहुंचे थे, उसमें से कितने लोग संक्रमित होंगे, कितने लोग आज होंगे, कैसे आप रख सकते हैं इसकी गारंटी देंगे कि थाना सुरक्षित है? आप क्या पुनः एक बार राजनेताओं को मारने की, जो बिहार की सेवा करता है, पुनः एक बार मारने की साजिश करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से तिहार से निकाल करके साहबुद्दीन को मार दिए ना, क्या उसी तरह के आपने एक दोबारा आप बिहार में एक और लाल को आप खत्म करना चाहते हैं? ये आपके मंसूबे नीतीश कुमार जी, गिरफ्तार करना है तो जा करके राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार कीजिए। तो कहाँ फरार है, क्यों दिल्ली में बैठे हुए हैं, कैसे 40 एम्बुलेंस घर में छुपा कर रखे हुए थे, ये कानून का उल्लंघन नहीं था? क्या लगता गरीबों का सेवा करने का सजा मिला इनको? बिल्कुल, गरीबों की सेवा की सजा ही तो नीतीश कुमार आज तक ले दिया है, किसको बख्शे ही, आज तक किसी को बख्शे? जो व्यक्ति भी इस बिहार में सेवा किया, नीतीश कुमार जी उसको खत्म करने का काम किए हैं। लेकिन मैं यहाँ चैलेंज देता हूँ कि नीतीश कुमार जी आपके मंसूबे, बिहार के कम से कम 13 करोड़ लोगों की दुआ और नौजवानों के साथ नीतीश पप्पू यादव जी के साथ है, नीतीश कुमार जी आपके खिलाफ सड़कों पर सब लोग उतरे।